हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। DSSSB की तरफ से कई सारी पोस्ट पे वैकेंसी आई है और आपके लिए एक पोस्ट कोड इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि है लाइब्रेरियन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई है, कब से कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं 19th of March से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि जो वैकेंसी नोटिस आई है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2024, यानी कि ये 5 मार्च को आया है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का 19th of March है और ये कब तक फिल होगा फॉर्म, 17th of अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा रात के 11:59 तक। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि कई सारी वैकेंसी आई है, तो मैं आप लोग को एक बार नोटिस दिखा देती हूँ कि कितनी सारी वैकेंसी देखने को मिली है। तो ये देखिए, ये वो नोटिस है जिसमें कि सारी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितनी वैकेंसी है, कितने सारे पोस्ट कोड से रिलेटेड वैकेंसीज आई है। इन्हीं सारी वैकेंसी में, इसे पूरा तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मेन जो हम लोगों का है लाइब्रेरियन का, उस वैकेंसी की बात करूंगी। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरियन का पोस्ट है, तो ये जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई है और टोटल 15 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 15 सीट, तो देखिए लाइब्रेरियन करने वाले लोग कम है, ढंग से करने वाले, कर तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन ढंग से सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले बहुत कम है। तो ये 15 सीट भी कम नहीं है। यदि आपके पास लाइब्रेरियन जो कोर्स है उसका आपने अच्छे से कंप्लीट तरीके से नॉलेज ले रखा है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है और बाकी सारे डिटेल्स। तो ये रहा 15 सीट है, यहाँ पे मैंने अटैच भी कर दिया है सो दैट आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, पूरे लिस्ट में ढूंढने की प्रॉब्लम ना हो। 47 नंबर का सीरियल नंबर में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है डिटेल में। मैं इस नोटिस को व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं अभी डिटेल आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पोस्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरियन, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है। वैकेंसीज हमें पता ही चल चुकी है कि टोटल कितनी वैकेंसीज है इस पोस्ट में। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैं अभी चर्चा कर रही थी, ये आप ज्वाइन कर ही लीजिए सो दैट मैं जो भी नोटिस हो, लाइब्रेरियन की अभी DSSB की वैकेंसी आई, आगे फर्दर KVS की आएगी, बिहार की वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन की, तो उन सभी के नोटिस मैं यही ड्रॉप करूंगी। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं जो कि एसेंशियल है, जरूरी है। उसमें पहला पॉइंट क्या है, आपने डिग्री कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट से। सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो या तो डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या फिर इक्विवेलेंट से। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में, या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो कि किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या इक्विवेलेंट से हो। नाउ यहाँ पे कुछ डिजायरेबल है तो नहीं, और कोई क्वालिफिकेशन डिजायरेबल नहीं है। एक्सपीरियंस के बारे में कह रहा है वही एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मेंशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, इसके अलावा कुछ डिजायरेबल नहीं है। अब पे स्केल पे बात कर लेते हैं जो कि मोटिवेशन होता है किसी भी फॉर्म को फिल करने का। तो ये लेवल 7 का जॉब है, तो आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का पे स्केल होगा। आगे यहाँ पे एज लिमिट भी मेंशन है, 18 to 30 ईयर एज रिलैक्सेशन होगा एज पर टेबल पारा 7। तो ये आप देख लीजिएगा यदि आप एज रिलैक्सेशन वाले लिस्ट में आते हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट में तो उसके लिए भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। बाकी यदि आप या आपके जानने में कोई लाइब्रेरी साइंस का कोर्स इग्नू से कर रहा है तो उसके लिए आप हमारे चैनल के लाइब्रेरी साइंस वाले प्लेलिस्ट में जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी चीज जो
रिक्वायर्ड है, जैसे कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट हो, या फिर लेक्चर सीरीज हो, या फिर असाइनमेंट हो, हर एक चीज आपको दिल्ली बाइट्स पे अवेलेबल है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि BLIS के कोर्स के लिए। तो इस प्लेलिस्ट में विजिट करिए, अगर आपको कोई भी चीज परचेस करना हो तो इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। बाकी इसके बाद भी आपको लाइब्रेरी साइंस को लेकर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरी ID की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं Delibytes_Nupur, और मुझसे जुड़कर आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू, इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।